everyone, this is Priyanka and welcome back to our channel. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले से ही ना मुझे माइल्ड हेडेक स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर अभी फिर वो ही हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा। तो मैंने जब डैडी से सजेशन लिया ना, तो डैडी ने कहा कि एक बार आइस टेस्ट कराते हैं, हो सकता है शायद उस वजह से भी हो रहा हो, क्योंकि मुझे फ़ोन में, लैपटॉप में मैं ज़्यादा घुसी रहती हूँ ना, तो इस वजह से डैडी ने कहा कि चलो एक बार आइस टेस्ट कराते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आइस टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, और ये जो शॉप आप देख रहे हैं बहुत पुराना शॉप है। मैं जब 7th क्लास में थी ना, तब से यहाँ पर आ रही हूँ, मतलब मुझे चश्मा नहीं लगा था। अंकल को थैंक यू बोलो, शिवांशी अंकल को थैंक यू बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स डर्टी, लगा लो इसमें। मुझे लगता है कि हम लोग 15 साल से, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, काफ़ी टाइम से इस शॉप में आ रहे हैं, चाहे मम्मी या डैडी को चश्मा बनवाना हो, चाहे भाई को चश्मा बनवाना हो। बहुत ही अच्छी शॉप है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और इनकी लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप स्पेक्स ले रहे हैं या फिर गॉगल्स ले रहे हैं। वैसे हमारी शिवांशी तो सेलिब्रिटी से कम नहीं है, वो जहाँ भी जाती है गिफ्ट्स बटोर करके लेके आती है। अभी अंकल ने भी उसे एक चश्मा दिया और ये चॉकलेट दी थी, उनका बड़ा मन था कि वो शिवांशी के लिए एक अच्छा सा चश्मा दे। शिवांशी के टॉयज शिवांशी के नानू और नानी को लग रहा था कि जैसे वो अपने ब्लॉग्स को काफ़ी मिस कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि शिवांशी के लिए ब्लॉग्स ले लेते हैं। तो अभी देखते हैं घर जाकर के आके शिवांशी इनके साथ किस तरह से खेलती है। तब तक मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इन्हें खरीदा था। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड, एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो इन द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाई 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकिल 240 एम्प्टी प्लास्टिक एवरी मंथ, 1 empty is equal to 1000 kg। Mama Earth products are available on Amazon, Nykaa and Mama Earth's official website and app. Let's talk about the product. Mama Earth Hina Hair Oil nourishes hair, prevents premature graying. Mama Earth Natural Hina Paste give you rich natural color, delays premature graying, conditions and nourishes your hair. And these all products are toxin free and plastic positive. और घर आते ही शिवांशी ने जिद करना शुरू कर दिया था कि उसे बस इन टॉयज के साथ में खेलना है, मम्मा मुझे इसे जल्दी से निकाल करके दो। आजकल ना मेरे साथ में एक अलग ही चीज़ होती है कि मैं कभी कभी ना शिवांशी की कुछ चीज़ें, मतलब ज़्यादातर चीज़ें समझ जाती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर वो क्या चाहती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपका बेबी अपनी एक्टिविटी से कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ पाता? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर करिएगा कि उस केस में आप लोग क्या करते हैं, मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। यार कोई भी कहीं से सीख के नहीं आता है, सब इसी दुनिया में रह के सीखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि शिवांशी के टॉयज आते ही उसने सब फैलाना शुरू कर दिया था। अभी तो आप टेबल पे देख रहे हैं कि उसने अच्छे से सजा करके रखा है, कोई भी नीचे नहीं फैलाए, बट थोड़ी देर बाद में शिवांशी ने सब फैलाना शुरू कर दिया था। शिवांशी ना किसी भी टॉय से ज़्यादा देर तक खेलती ही नहीं है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है। और अभी जब हम लोग बाहर गए थे तो हम लोग लेकर के आए थे समोसे। मेरा बड़ा मन था जब से मैं कानपुर आई हूँ ना कि मैं समोसे खाऊँ इस तरह से चाट बना करके, तो मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से समोसे खाना, और जो कानपुर के समोसे का टेस्ट है वो मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पेशली यही बात चाट पे भी अप्लाई होती है।
अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी लोगों ने मुझे होम टूर के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं इस वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं और बहुत मैसी सा घर है अभी। तो एक बार ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएं, ये पेंटिंग का काम स्पेशली ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में एक बार मैं ज़रूर आप लोगों को होम टूर दूँगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रिल नहीं लगी और मैं शिवांशी को ऊपर लेकर के आ गई हूँ। दरअसल यहाँ पे मेरे घर के सामने ही ना रोड है, तो ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है और शिवांशी को कहीं बाहर लेकर के मैं नहीं जा पाती। जैसे मुंबई में मैं ग्राउंड में ले जाती थी, वहाँ शिवांशी खेलती रहती थी, तो अभी आज ना शिवांशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जबकि वो बाहर घूम के आई है। तो होता है ना, बच्चों को एक चस्का लग गया तो उनको बाहर जाना है, तो मैंने सोचा चलो शिवांशी को ऐसे थोड़ी देर छत पे घुमाते हैं। और हम लोग भी प्रॉपर उसे ध्यान दे रहे थे, मम्मी, मैं और डैडी, हम तीनों लोग खड़े थे कि शिवांशी कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर ग्रिल नहीं है। और मैं इस क्लिप को ना आपके साथ में शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। आप लोग देख रहे हैं ना शिवांशी कितने ध्यान से उसे पढ़ रही, जैसे उसे एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था शिवांशी को इस तरह से पढ़ाई करते हुए देख के, और शिवांशी के एक्सप्रेशंस देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी टेंशन वाली खबर पढ़ ली है और वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है कि अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, अभी मैं लास्ट कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, बट ट्रस्ट मी, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और अगर पॉसिबल होता है तो उसका रिप्लाई भी करती हूँ और लाइक भी ज़रूर करती हूँ। और आपके इतने अच्छे अच्छे सजेशंस मुझे मिलते हैं ना, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, मुझे भी काफ़ी कुछ आपके कमेंट्स से ना सीखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आज पूरा दिन ना डैडी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो उन्होंने लंच भी काफ़ी लेट किया, तो यहाँ पे शिवांशी अपने नानू को लंच करते हुए देख करके बार बार उनके पास जा करके कुछ खाने की कोशिश कर रही है। वो क्या खा रही है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आई थिंक काफ़ी लोगों ने तो लगा ही लिया होगा। चलिए अगर आपने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो ये देखिए शिवांशी अपने नानू के पास जा जा करके अपना फेवरेट अनियन खा रही थी। और यहाँ शिवांशी खुद भी अनियन खा रही है और अपने पिकाचू को भी अनियन खिला रही है। शिवांशी, और ये देखिए आजकल शिवांशी ने अपने नानू के साथ में बैठ करके प्रिस्क्रिप्शन लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो कभी कभी मौका मिलता है तो मैं शिवांशी के साथ में कुछ इस तरह से खेल लेती हूँ। मैं चाहती तो हूँ कि उसके साथ में मैं बहुत एनर्जी के साथ में और जिस तरह से वो भागती दौड़ती है ना उस तरह से खेलूँ, मगर बच्चों की एनर्जी के साथ में मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
मेरा एक और भी रीज़न है शिवांशी के साथ में इस तरह खेलने का। बस मैं सोच रही हूँ कि शिवांशी खेल खेल के थोड़ा सा थक जाए ना, तो वो सो जाएगी जल्दी, और सो जाएगी तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि शिवांशी जब जाग रही होती है ना, तो उसके जागते हुए वो सारे काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी तरह तरह की आवाज़ें निकालती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है वीओ करना। तो यहीं तक था आज का हमारे ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।